बगंदर जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फिस्टुला कहा जाता है, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है और इसका इलाज बड़ा ही मुश्किल माना जाता है। आज आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े फिस्टुला के बारे में। राणा हॉस्पिटल सरहिंद में दुनिया के सबसे बड़े फिस्टुला का ऑपरेशन किया गया। यह अकेला बड़ा फिस्टुला नहीं था, यह एक रेयर फिस्टुला भी था, क्योंकि ये फिस्टुला टॉयलेट वाली जगह से पेट तक फैल गया था। जो पेशेंट था वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में था और चलने में भी असमर्थ था। इस पेशेंट का ऑपरेशन लिफ्ट टेक्निक से किया गया सरहिंद के अंदर, और इस ऑपरेशन को करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के करीब लगा। यह जो बगंदर था ये अप्रॉक्सीमेटली 26 सेंटीमीटर लंबा था, जो कि अराउंड 1 फुट के करीब बनता है। 11 महीने से पेशेंट इस तकलीफ से जूझ रहा था। पेशेंट जो है वो खमानों का रहने वाला है और उसने 2 बार पहले ऑपरेशन करवाया था, पर उसको कोई आराम नहीं आया था और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशानी में था। उसका ऑपरेशन लिफ्ट टेक्निक से 3 डॉक्टरों की टीम ने किया, डॉक्टर अरुण रोजन सकल, डॉक्टर हितेंद्र सूरी और डॉक्टर प्रदीप चहल ने। यह जो फिस्टुला था यह लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा फिस्टुला है। यह इंडिया टुडे वेबसाइट ने भी रिपोर्ट किया और पेशेंट ने खुद बताया कि पहले मैं 2 बार ऑपरेशन हुआ था पर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और इतनी तकलीफ थी कि ड्रेसिंग कराते टाइम तो पेशेंट कहता है कि मैं अपने सब रिलेटिव्स को बोल देता था कि आप दूर चले जाओ। पेशेंट ने बताया कि इस ऑपरेशन के बाद उसको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई उसको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो पूरा टाइम अपना काम करता रहा। और पेशेंट बाय प्रोफेशन एक टीचर है और पूरा टाइम वो पढ़ा सका, उसको बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके पहले भी डॉक्टर हितेंद्र सूरी ने एक हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेजेस जो हैं रिकॉर्ड करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था और 391 यानी 391 सर्जरीज करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। और इस ऑपरेशन को करने के बाद राणा हॉस्पिटल का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फिस्टुला है। थैंक यू वेरी मच।